दुखा है। जी हाँ, ऋत्विक की बहन का, और कुछ इस कदर दुखा है कि आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सवाल ये उठता है कि अपनी बहन के आंसू कैसे पोंछेंगे ऋत्विक। इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। अपनी शादी के लिए पूरे 16 सिंगार कर सज धज कर बैठी इस इंतजार में कि कब साथ फेरे की घड़ी आए। लेकिन ये खुशी भरा माहौल जब पापा और भाई ऋत्विक उदास चेहरों के साथ उसके कमरे में आए और घुमा फिरा कर ये कहने लगे कि उसकी शादी नहीं होने वाली है। मैंने कह दिया कि मेरी दीवार तो भाने का नहीं है, तो मैं लायक नहीं हूँ। और इस तरह आखिरकार ये सच सामने आ ही गया कि समर ने किसी और से शादी कर ली है। मेरे डैड आते हैं और मुझे बताते हैं कि समर ने किसी और के साथ शादी कर ली है। तो हम ऑब्वियसली रीवा को बहुत प्यार है समर से, और वो जिद्दी है, उसको जो चाहिए चाहिए। अपनी जिद के चलते और एक तरफा प्यार में रीवा समर से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। सीन में चाहे रीवा का ये हाल हुआ हो, लेकिन दुल्हन बनकर और अपने इस गेटअप से वो काफी खुश है। अगर आप देख सकते हैं, द लुक इज़ वेरी सब्यसाची इंस्पायर्ड। जो ये रेड है, ये टिपिकल रेड नहीं है, इट्स अ वेरी नियॉन रेड। ये कमरबंद जो बहुत ही आई थिंक फैशन डिज़ाइनर स्टाइल लग रहा है, रैम स्टाइल। लुक एट द हैंड्स, दीज एक्सेसरीज पूरी कुंदन की हैं। द चूड़ा इज़ मैचिंग विद द अटायर। कलीरे जो मुझे बहुत ही पसंद हैं, जो हर जगह अटक रहे हैं। नॉट वेरी सटल सब कुछ, और स्पेशली दिस this neck piece, it's humongous, it's very heavy, but it looks really pretty. जब मुझे दिया था, मुझे लग रहा था बहुत हैवी लगेगा, but in the camera it looks brilliant. वैसे तो ऋत्विक ने मंदिर पहुंचकर समर की खूब कुटाई की थी, लेकिन आगे चलकर हो ना हो इस टूटे हुए रिश्ते में पलक का नाम भी जुड़ेगा, क्योंकि राधिका पलक की दोस्त जो ठहरी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।